ज्ञातिमिदन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द द्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। टेक्स्ट 4। सचिन्तयन् इत्थं पता शृणोद्यता मुने सुतो को निरतिस्तक्षकाय ससाधु मेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। ट्रांसलेशन। ही रिसीव्ड न्यूज of his imminent death, which would be due to the bite of a snake bird occasioned by the curse spoken by the sage's son. The king accepted this as a good news, for it would be the cause of his indifference toward worldly things. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जब परीक्षित महाराज पश्चाताप कर रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान मुझे दंड मिलना चाहिए मेरे, उसी समय उनको समाचार मिलता है। कौन सा समाचार? कि शमिक ऋषि के बेटे श्रृंगी ने उनको श्राप दिया है कि 7 दिन में उनका मृत्यु होगा। तक्षक नाप का सर्प, सर्प और पंक्षी जिसके पंख है, ऐसा सर्प आके ढसेगा परीक्षित को और 7 दिन में मृत्यु होगा, ये समाचार उनको मिलता है। और परीक्षित ने क्या सोचा? परीक्षित को लगा है कि अच्छा है, भगवान ने मेरा प्रार्थना सुन लिया, तो ये बैड न्यूज नहीं है, बुरा समाचार नहीं है, बहुत अच्छा समाचार, मैं आसानी से विरक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। जो विरक्ति मेरे स्वयं के प्रयास से प्राप्त करना मुश्किल है, भगवान ने आयोजित कर लिया मेरे लिए। तो हमने देखा कि पहले एक स्कंद में प्रभुपाद लिखते हैं, जब भक्त के पास शक्ति नहीं रहता वैराग्य प्राप्त करने के लिए, तो भगवान उसकी जिंदगी में ऐसे परिस्थिति अरेंज करते हैं कि भक्त को वैराग्य स्वीकार करना ही पड़ता है। तो चालू है, तो इसलिए भगवान ने मेरे जिंदगी में विरक्ति प्राप्त करने का मार्ग बनाया है। नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, तो अभी विरक्ति का कारण मिल गया मुझे। परपोट। रियल हैप्पीनेस इज अचीव्ड बाई स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस और बाई सेसेशन ऑफ रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो सुख कब मिलेगा? जब हम आध्यात्मिक ओर जाएंगे, आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करेंगे और जन्म मृत्यु से मुक्त होंगे, तभी सुख मिलेगा। नहीं तो ये भौतिक दुनिया में सुख नहीं है, सुख का प्रतिबिंब है। जैसे भगवान 15वें अध्याय में, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम योग 15 अध्याय में बोलते हैं, ऊर्ध्व मूलम अधश्राक्रम अश्वत्थम प्राहर अव्ययम्। तो भगवान बोलते हैं ये दुनिया क्या है? उल्टा पेड़ है। उल्टा पेड़ कहाँ पे दिखता है? नदी के तट में। नदी में अगर नदी के सामने एक पेड़ है तो उसका प्रतिबिंब, तो ये दुनिया प्रतिबिंब है भगवत धाम का। इसलिए आनंद भगवत धाम में है, सही जो प्लेजर है, और ये दुनिया में क्या मिलता है? आनंद का प्रतिबिंब, सही आनंद नहीं मिलता।
वन कैन स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ ओनली बाय, तो ये जन्म मृत्यु से परे होने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवत नाम जाना पड़ेगा, सिर्फ वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। जब तक हम भौतिक दुनिया में हैं तब तक बार बार जन्म लेते रहना पड़ेगा। इन द मटीरियल वर्ल्ड इवन बाय अटेनिंग द टॉप मोस्ट प्लैनेट ब्रह्मलोक वन कैन नॉट गेट बर्थ एंड डेथ, बट स्टिल वी डू नॉट एक्सेप्ट द पाथ ऑफ अटेनिंग परफेक्शन। में आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामेव केवलम। 14 भुवन का लोक है, पाताल लोक से ब्रह्म लोक तक पूरा दुख का जगह है। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, जन्म लेना पड़ेगा। ब्रह्म लोक तक भी जाएंगे तो वहां से भी जन्म लेना पड़ेगा। फिर भी हमको ये ज्ञान नहीं आता, ये प्रेरणा नहीं आता कि मुझे सिद्धि प्राप्त करना है, मेरा जिंदगी को सफल बनाना है, वो हमारे जिंदगी में विचार ही नहीं आता। हम ये भौतिक दुनिया में फंसे हैं। द पाथ ऑफ परफेक्शन फ्रीज वन फ्रॉम ऑल मटीरियल अटैचमेंट एंड थस वन बिकम्स फिट टू एंटर इन टू द स्पिरिचुअल किंगडम। तो इसलिए भगवत धाम जाना है तो तैयारी करना पड़ता है कि नहीं। अगर अमेरिका जाना है तो उसके लिए जॉब चाहिए, धन होना चाहिए, तब अमेरिका जा सकते हैं। तो कौन से भी जगह पे जाना है तो उसके लिए योग्य बनना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हमको भगवत धाम जाना है तो हमको योग्य बनना पड़ेगा। कैसे योग्य बनेंगे? परफेक्शन। तो जो उच्च कोटि ये भक्ति का मार्ग स्वीकार करेंगे तब हम धीरे धीरे हमारे योग्यता बनता है। तो प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं, आर बेटर कैंडिडेट्स देन दोज आर मटीरियली प्रॉस्परस। तो इसलिए जिन लोगों के पास बहुत सुख सुविधा है वो भी भक्ति कर सकते हैं, उनके लिए और थोड़ा मुश्किल है, लिटिल मोर डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि उनका आसक्ति इतना रहता है। इसलिए वर्णन आता है स्वर्ग लोक है, भूलोक है और पाताल लोक है। हा? जो ऊंचे लोक है, मध्य लोक और नीचे के लोक। ऊंचे लोक में भक्ति करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इतना सुख सुविधा है, इतना भोग करने का सामग्री है, भक्ति कहाँ करेगा? सब जगह भोग का ही सामग्री है। तो जब बहुत आनंद रहता है तब भक्ति करना थोड़ा मुश्किल है। और पाताल लोक में इतना कष्ट है, इतना पीड़ा है, उधर भी थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए धरती सही जगह है भक्ति करने के लिए। इसलिए जिन लोगों के पास स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य है ये दुनिया में, बहुत धन है, बहुत सुख सुविधा है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है भक्ति करना। असंभव नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। इसलिए कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है भगवान से, जन्म ऐश्वर्य सुतर श्री एदमान अदपमान। तो कुंती महारानी बोलती है जिनके पास ऊंचा जन्म है, बहुत धन है, ज्ञान है, एजुकेशन है, इन लोगों के लिए भक्ति करना मुश्किल है। तो इसलिए त्वाम अकिंचन गोचर। तो भक्ति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? अकिंचन गोचर। ऐसा अपने आप को स्वीकार करना कि मेरे पास सही में कुछ धन नहीं है। इसलिए कभी कभी भगवान जिन भक्तों के पास बहुत सुख सुविधा है उन भक्तों से कुछ छीन लेते हैं ताकि भक्त पूरे तरह से भगवान का आश्रय ले सके। महाराज परीक्षित वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड एंड अ बोनाफाइड कैंडिडेट फॉर एंटरिंग इन टू द किंगडम ऑफ गॉड, बट इवन दो ही वॉज सो हिज मटीरियल एसेट्स एज द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड वॉज सेटबैक्स टू परफेक्ट अटेनमेंट ऑफ हिज राइटफुल स्टेटस एज वन ऑफ द एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड इन द स्पिरिचुअल स्काई। तो महाराज परीक्षित हालांकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो ऑलरेडी योग्य है भगवत धाम जाने के लिए, फिर भी क्योंकि उनके वो सम्राट थे और उनका इतना धन सामग्री था, इतना ऐश्वर्य था, तो ये बाधा बन रहा था। तो भगवान क्या करते हैं? भक्तों के लिए उनकी भक्ति में, उन भक्त और भगवान के बीच में जो बाधाएं आती है भगवान स्वयं निकाल देते हैं और
भगवान अपने भक्त का मार्ग और आसान बनाते हैं। तो भगवान को पता है कि परीक्षित का लक्ष्य है मेरी प्राप्ति करना, तो इसलिए ये जो धन है, राज्य है, उनके लिए बाधा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, ये बाधा को निकाल दूंगा। एज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड ही कुड अंडरस्टैंड दैट द कर्सिंग ऑफ अ ब्राह्मण बॉय ऑल्दो अनवाइज वॉज अ ब्लेसिंग अपॉन हिम बींग द कॉज ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स बोथ पॉलिटिकल एंड सोशल। तो क्योंकि परीक्षित भगवान के भक्त हैं, तो उनको ये समझ में आया कि ये जो श्राप मिला है श्रृंगी के मुख से, ये ब्राह्मण पुत्र के मुख से, तो ये भगवान का आशीर्वाद है ताकि मैं विरक्ति प्राप्त कर सकूं मेरे राज्य से, मेरे उत्तरदायित्व से, मेरे परिवार से। शमक ऋषि ऑल्सो आफ्टर रिग्रेटिंग द इंसिडेंट कन्वे द न्यूज टू द किंग एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी सो दैट द किंग वुड बी एबल टू सेल्फ टू गो बैक टू गार्डन। तो शमिक ऋषि, उनको भी बुरा लगता है कि उसके बेटे ने श्राप दिया, पर शमिक ऋषि जाके परीक्षित को बताते हैं कि ऐसा श्राप मिला है आपको, इसलिए आप तैयार हो जाओ भगवत धाम जाने के लिए। शमिक ऋषि सेंट द न्यूज टू द किंग दैट फूलिश श्रृंगी हिज सन ऑल्सो अ पावरफुल ब्राह्मण बॉय अनफॉर्चुनेटली हैड मिसयूज्ड स्पिरिचुअल पावर बाय कर्सिंग द किंग अनवॉरंटेडली। तो शमिक ऋषि, हालांकि उनको बुरा लगता है कि उसके बेटे ने श्राप दिया है, पर श्रमिक ऋषि के पास इतना करेज है, शक्ति है, निडर है, वो परीक्षित को संदेश भी भेजते हैं कि मेरे बेटे ने आपको श्राप दिया है, इसलिए आप तैयार हो जाओ आपके आगे के जर्नी के लिए, आपके आगे का जो प्रवास है उसके लिए। द इंसिडेंट ऑफ द किंग्स गैलेंट एंड द मुनी वॉज नॉट सफिशियंट कॉज फॉर बींग कर्स टू डेथ बट सिंस देर वॉज नो वे टू रिट्रैक्ट द कर्स द किंग वॉज इन्फॉर्म्ड टू प्रिपेयर फॉर डेथ विद इन अ वीक। तो हालांकि परीक्षित ने जो अपराध किया शमिक ऋषि के पहले के प्रति, उनके गले में जो सर्प बांधा है, उसके लिए उनको श्राप मिलने की जरूरत नहीं था, बहुत बड़ा दंड था, फिर भी मिल गया है, और ब्राह्मण के श्राप को वापस लिया नहीं जाता, इसलिए शमिक ऋषि एक समाचार भेजते हैं परीक्षित को कि हमारे मुख से गलती हो गया है, पर जो भी हो गया आप स्वीकार करो और अभी आप तैयारी करो, आपका मृत्यु एक ही हफ्ते में आने वाला है। बोथ शमिक मुनि एंड किंग वर सेल्फ रियलाइज सोल्स। तो इससे समझ में आता है कि परीक्षित भी और शमिक ऋषि भी दोनों आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया था, दोनों महान भक्त थे भगवान के। शमिक मुनि वॉज अ मिस्टिक एंड महाराज परीक्षित वॉज अ डिवोटी। तो शमिक मुनि योग का मार्ग ले रहे थे, योगी थे, और परीक्षित भगवान के भक्त थे। देयरफोर देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन देम इन सेल्फ रियलाइजेशन। तो हालांकि मार्ग अलग अलग था, फिर भी आत्म साक्षात्कार के स्तर पर दोनों ने आत्म साक्षात्कार का मार्ग चुना था। Neither of them was afraid of meeting death. और दोनों को बिल्कुल डर नहीं था मृत्यु का, बिना डर के रह रहे थे। महाराज परीक्षित could have gone to the Muni to beg his pardon, but the news of imminent death was conveyed to the king with so much regret by the Muni that the king did not want to shame the Muni further by his presence there. तो हालांकि महाराज परीक्षित को लग रहा था कि मुझे शमिक ऋषि के पास जाके क्षमा मांगना चाहिए मैंने जो अपराध किया है, पर जब उनको समाचार मिला, वो समाचार से ही परीक्षित महाराज को समझ में आया कि शमिक ऋषि को बहुत बुरा लग रहा है ऑलरेडी कि उसके बेटे ने श्राप दिया है, मैं जाके फिर से माफी मांगूंगा तो उनको और बुरा लगेगा, इसलिए मैं उनके पास जाऊंगा नहीं। ही डिसाइडेड टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर हिज इमिनेंट डेथ एंड फाइंड आउट द वे टू गो बैक टू गॉडन। तो परीक्षित ने सोचा करना है, 7 दिन का ही नोटिस है, सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, हाँ, तो इसके लिए मृत्यु के लिए मुझे तैयारी करना है और मुझे वो रास्ता ढूंढना है, कौन सा रास्ता, मैं कैसे भगवत धाम जा सकूं। हम ये दुनिया में अलग अलग रास्ता ढूंढते हैं, तो हमको सही रास्ता क्या ढूंढना है, भगवत धाम जाने का रास्ता, दैट इज द ट्रू वे वी नीड टू फाइंड आउट। इसलिए परीक्षित ने समय दिया है 7 दिन, 7 दिन पूरा केंद्र करूंगा मेरे सब शक्ति को और भगवत धाम के मार्ग पे जाऊंगा।
द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज अ चांस टू प्रिपेयर वन सेल्फ टू गो बैक टू गॉडहेड और टू गेट रिड ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस द रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ. तो मनुष्य जिंदगी किसके लिए है, किस लिए दिया है, ताकि हम तैयार कर सकें भगवत धाम जाने के लिए. और ये जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, जो बंद कर, हाँ, सो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं द मनुष्य जिंदगी किसके लिए है, हमको भगवत धाम जाने के लिए और ये जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने के लिए. उसके लिए भगवान ने ये मनुष्य शरीर जिया है. दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम शनुभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन. तो ये मनुष्य जिंदगी बहुत दुर्बलता से दुर्लभता से मिलता है और इसका लक्ष्य है हमको प्रिपेयर करके भगवत धाम जाना है, उसके लिए उपयोग करना है. जैसे ऋषभ देव बोलते हैं नृदेहम आद्यम, सॉरी श्लोक बोल गया, तो ऋषभ देव बोलते हैं कि मनुष्य जिंदगी किसके लिए है, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे द्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम. तो पशु का योनि है उसमें इंद्र तृप्ति मिलता है, इंद्रिय भोग करने का अवसर, पर मनुष्य जिंदगी किसके लिए है, तपस्या करने के लिए, ताकि हम सबसे ऊंचा जो सुख है ब्रह्म सुख है वो प्राप्त कर सके. तस इन द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम धर्म एवरी मैन एंड वुमेन इज ट्रेन्ड फॉर दिस पर्पस. इसलिए हमारा जो वैदिक पद्धति है वर्णाश्रम धर्म है उसमें हर एक मनुष्य का स्त्री का ट्रेनिंग होता है किसके लिए, ये सबसे ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भगवत नाम जाने के लिए. इन अदर वर्ड्स द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम धर्म इज नोन एज सनातन धर्म और द इटर्नल ऑक्यूपेशन. तो इसलिए जो वैदिक धर्म है या वर्णाश्रम धर्म है उसका और एक नाम है सनातन धर्म. सनातन धर्म का मतलब क्या है, जो हमारा इटर्नल रिलेशन है, सनातन हमारा कार्य है वो क्या है, भगवान की भक्ति. तो सनातन जीव, हम सब सनातन हैं और हमारा सनातन धर्म क्या है, भगवान का सनातन भक्ति करना. और भगवान कौन है, भगवान भी सनातन है और ऐसा सनातन भक्ति करने से हमको सनातन धाम की प्राप्त होगी. तो ये धर्म को सनातन धर्म बोलते हैं. द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम धर्म प्रिपेयर्स अ मैन फॉर गोइंग बैक टू गॉडहेड एंड थस अ हाउस होल्डर प्रिपेयर्स अ मैन फॉर गोइंग एंड थस अ हाउस होल्डर इज ऑर्डर टू गो टू द फॉरेस्ट एज वानप्रस्थ टू अक्वायर कंप्लीट नॉलेज एंड देन टेक संन्यास प्रायर टू हिज इनएविटेबल डेथ. इसलिए वर्णाश्रम धर्म क्या है, लक्ष्य क्या है, भगवत धाम प्राप्त करना. इसलिए मार्ग क्या है, कैसे जिंदगी बिताना चाहिए, अगर कोई गृहस्थ जिंदगी भी लेता है उसके बाद उसको वानप्रस्थ बनना चाहिए, रिटायर्ड लाइफ, और फाइनली संन्यास जिंदगी स्वीकार करना चाहिए एटलीस्ट मृत्यु के पहले. जैसा अभी परीक्षित संन्यास लेने वाले हैं उनके राज्य से, उनके परिवार से, क्यों, क्योंकि उनको नोटिस आ गया है मृत्यु का. तो जब तुरंत मृत्यु का नोटिस मिलता है तुरंत क्या करना चाहिए, संन्यास स्वीकार करना चाहिए. तो हम सबको नोटिस कब है, कब आएगा पता नहीं, इसलिए वो मूड में हमेशा रहना इम्पॉर्टेंट है. हाँ, और जब सही में उम्र हो जाए उस समय पे विरक्ति प्राप्त करना इम्पॉर्टेंट है. परीक्षित महाराज वॉज फॉर्चुनेट टू गेट अ 7-day नोटिस टू मीट इज इनएविटेबल डेथ. तो परीक्षित महाराज का भाग्य था कि उनको 7 दिन नोटिस मिला तैयारी करने के लिए. बट फॉर द कॉमन मैन देर इज नो डेफिनेट नोटिस ऑल्दो डेथ इज इनएविटेबल फॉर ऑल. पर साधारण जीव के लिए नोटिस नहीं मिलेगा, मृत्यु अवश्य आएगा, निश्चित रूप से आएगा, पर नोटिस नहीं मिलता, उतना भाग्यशील नहीं है हम. फूलिश मैन फॉरगेट द श्योर फैक्ट ऑफ डेथ एंड निगलेक्ट द ड्यूटी ऑफ प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर गोइंग बैक टू गॉडहेड. पर मूर्ख लोग ये भूल जाते हैं कि मृत्यु आने वाला है और सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है भगवत धाम जाने का वो कार्य करते नहीं है. दे स्पॉइल देयर लाइव्स इन एनिमल प्रोपेंसिटीज टू ईट ड्रिंक बी मेरी एंड एंजॉय. तो हालांकि उनको पता है, भाग्य भी नहीं है कि नोटिस मिलता है, कभी भी आएगा मृत्यु, फिर भी वो भक्ति
मार्ग गंभीरता से नहीं लेते और पूरा जिंदगी व्यर्थ कर देते हैं। हाँ, किसमें? इंद्र तृप्ति भोग करने में, मजा करने में व्यर्थ करते हैं। हरी हरी विफले जन्म गोवाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विषक हाइनु। तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य जिंदगी मिला है पर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, राधा कृष्ण न बजिया, तो क्या करते हैं? जानिया सुनिया विषक हाइनु, जानते हुए इंद्रे वो करते हैं पी रहे। सच एन इरिस्पॉन्सिबल लाइफ इज अडॉप्टेड बाई द पीपल इन द एज ऑफ कली बिकॉज ऑफ अ सिंफुल डिजायर टू कंडेम ब्राह्मणिकल कल्चर, गॉड कॉन्शियसनेस एंड काउ प्रोटेक्शन फॉर विच द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल। तो इतना इरिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना जिम्मेदारी का जो जीवन है मनुष्य समाज में हो गया, स्पेशली कलयुग में, क्योंकि लोगों के अंदर पाप का वृत्ति, पाप करने का जो इच्छा है बढ़ गया है। और वो क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को सम्मान नहीं देते, वैष्णवों को सम्मान नहीं देते, भगवान को मानते नहीं है, नास्तिक बन रहे हैं और गायों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से उनका वृत्ति पशुओं की तरह हो रहा है और मनुष्य का वृत्ति है ही नहीं। सब लोगों को इंद्र तृप्ति करना है। द स्टेट मस्ट एम्प्लॉय रेवेन्यू टू एडवांस दी थ्री आइटम्स एंड थस एजुकेट द पॉपुलर्स टू प्रिपेयर फॉर डेथ। तो राज्य का कर्तव्य है, जो गवर्नमेंट है, नेता है, राजा है, उनका कर्तव्य है क्या है? जो धन है किसमें उपयोग करना चाहिए? ये तीन चीज में, ब्राह्मणिकल कल्चर मतलब वैदिक संस्कृति, सभ्य संस्कृति बनाने में, लोगों को सभ्य मनुष्य बनाने में उपयोग करना चाहिए। गॉड कॉन्शियसनेस, लोगों को भगवान का भक्त धार्मिक बनाने में उपयोग होना चाहिए। और तीसरा, गायों की रक्षा, पशुओं की रक्षा, उसके लिए उपयोग होना चाहिए। जब ये करेगा राज्य तब लोग ये दुनिया में भी प्रसन्न रहेंगे और उनको ट्रेनिंग मिलेगा। कौन सा ट्रेनिंग? कैसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है, उसके लिए तैयारी करना है देश को, राज्य को। द स्टेट विच डज नॉट डू सो, विच डज सो इज द रियल वेलफेयर स्टेट। जो राज्य ये करता है वो सही अच्छा राज्य है। द स्टेट ऑफ इंडिया शुड बेटर फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ महाराज परीक्षित द आइडियल एग्जीक्यूटिव हेड देन टू इमिटेट अदर मटेरियलिस्टिक स्टेट्स विच हैव नो आइडिया ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। इसे श्रील प्रभुपाद बोल रहे, खासकर भारत को, इंडिया को क्या करना चाहिए? महाराज परीक्षित के मार्ग पर चलना चाहिए, उदाहरण सीखना चाहिए। महाराज परीक्षित का उदाहरण क्या है? जब उनको मृत्यु का नोटिस मिला, सब कुछ छोड़ के वो भगवान के शरण लेने के लिए चले गए। तो ये, और परीक्षित कौन है? भारत के राजा हैं, सबसे महान सम्राट हैं। इसलिए भारत के जो राज्य है, जो नेता हो, उनको इससे लीड लेना चाहिए और भारत ऐसा चलाना चाहिए वैदिक संस्कृति के अनुसार। तो भारत का सही लक्ष्य क्या है? हरेक व्यक्ति भारतवासी को ये शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम जाना चाहिए, ऐसा तैयारी करना चाहिए। पर बल्कि राज्य को, स्पेशली भारत को, बाहर के देशों को इमिटेट नहीं करना है, बाहर के पाश्चात्य देशों को इमिटेट करने की जरूरत नहीं है। रादर भारत का कर्तव्य है ये मार्ग पे चलना और दूसरों को ये मार्ग देना। भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है, जन्म सार्थक करना चाहिए और ये ज्ञान दूसरों को देना चाहिए। तो भारत को पाश्चात्य देश से जैसा बनना नहीं चाहिए, पाश्चात्य देश को भारत जैसा बनना चाहिए। तो भारत का संस्कृति सब जगह जाएगा। और भारत का संस्कृति क्या है? मनुष्य जिंदगी को सफल बनाना और हर एक व्यक्ति को भगवत धाम लेके जाना। डिट्यूरेशन ऑफ द आइडियल्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन हैज ब्रॉट अबाउट द डिट्यूरेशन ऑफ सिविक लाइफ नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड। तो भारत जब अपने संस्कृति से घिरता है, उसका गठन होता है, तब क्या होता है? पूरा जो समाज है, हर एक व्यक्ति गट जाता है अपना नीति के मार्ग से, और भारत का ही गठन नहीं होता, पूरे दुनिया का गठन हो जाता है। क्योंकि भारत को सभ्य बनाना है, धार्मिक बनना है और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बनना है, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए।
भारत जो करेगा आध्यात्मिक रूप से, पूरा दुनिया उसका अनुसरण करेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के हर एक वासी को, नेताओं को, हर एक लीडर को परीक्षित महाराज के उदाहरण पे चलना चाहिए और हम सबको हमारा जिंदगी सफल बनाना चाहिए। हाँ, तो जैसे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज का भाग्य था कि उनको ये नोटिस मिला 7 दिन का। हम सबको ये नोटिस नहीं है, पर हम सबको तैयारी करना है। कब से? अभी से। जैसे प्रहलाद महाराज भागवत में बोलते हैं, कौमारम आचरे प्राज्ञो, ये जो भगवत धर्म है वो कब शुरू करना चाहिए, भक्ति का मार्ग? जब कोई 5 साल का है तभी से शुरू करना चाहिए, और अगर किसी का उम्र उससे ज़्यादा है मतलब ऑलरेडी काफ़ी समय बीत गया, उनको और अग्रसर से भक्ति करना है। इसलिए भागवतम में ये अध्याय में ये उदाहरण आ रहा है परीक्षित का। इतने बड़े राजा हैं, जब उनको नोटिस मिलता है तुरंत एक ही क्षण में सब कुछ छोड़ के निकल जाते हैं। वो विरक्ति प्राप्त हम सबको करना है। तो हम टेक्स्ट 5 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।